भाई करेंगे बहन की रक्षा। भारत में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े व्यापक रूप से मनाया जाता है, लेकिन सवाल बहुत बड़े खड़े हुए हैं कि 21वीं सदी में जिस प्रकार से लगातार बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, उसने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार जब आपके हाथों में इस प्रकार की राखी हर वर्ष बहनें बांधती हैं, तो इस रक्षा सूत्र के होने के बावजूद भी क्यों नहीं आप बहनों की भावनाओं से जुड़ पाते हैं? आखिर वो कौन लोग हैं, कहाँ पैदा होते हैं, कैसे लोग होते हैं जो हर वर्ष कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा प्रकरण सामने जाता है, जब प्रकाश में आता है तो हमारी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। हमको सबको शर्मसार होना पड़ता है कि आखिरकार किस प्रकार के लोग हैं जो बहनों के साथ इस प्रकार का दुराचार करने में तनिक भी भयभीत नहीं होते हैं। ना तो उनको कानून का भय, ना उन्हें समाज का भय, ना ही उनको राष्ट्र के शर्मसार होने का भय कि हमारे देश की छवि, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की छवि वैश्विक स्तर पर आखिरकार कैसी रह जाएगी। रक्षाबंधन का पर्व मनाने वाला ये देश आखिरकार इस मामले में इतना पीछे क्यों हो जाता है? और राजनीतिक शक्तियां जो सत्ता की प्राप्ति को अपना एक माध्यम बनाए हुए हैं कि सत्ता ही उनको प्राप्त करनी है, तो बलात्कार जैसे मुद्दों को सीढ़ी बना करके आखिरकार वो नेता, वो राजनीतिक शक्तियां आखिरकार किस प्रकार से बलात्कार के माध्यम से भी सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पहली बार मित्रों में तब हिल गया था जब निर्भया रेप कांड हमारे सामने आया था। जब होश हवास मैंने संभाला था तब ये लगा था कि वास्तव में जिस प्रकार का आंदोलन दिल्ली में हो रहा है, जिस प्रकार से समाज जागृत हुआ है, तो उसके बाद अब कभी भी शायद कोई और निर्भया हमको सुनाई नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कल्पना महज कल्पना रह गई। उसके बाद लगातार जाने कितने हाथरस का रेप कांड हो या अन्य तमाम रेप कांड उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली की राजधानी और कोलकाता जैसी वो जगह जो अपनी साहित्य संपदा के लिए जाना जाता है, पश्चिम बंगाल जो विद्वानों के लिए जाना जाता है, उस पश्चिम बंगाल से भी जब एक डॉक्टर बिटिया के साथ इस प्रकार की घटना सुनने में आती है, तो वास्तव में समझ में आने लगता है कि समाज वाकई में कितना पीछे चला गया है, समाज का स्तर कितना गिर गया है। ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद सिर्फ यही है कि रक्षाबंधन के दिन आप इस रक्षा सूत्र के हवाले से महसूस कर सकें कि बहनों के भाव से कैसे जुड़ना है, माताओं के भाव से कैसे जुड़ना है। जो नेता बहनों और माताओं कहते हैं, आखिरकार क्या वो सिर्फ मुँह से बोलते हैं या फिर वास्तव में उनके दिल में, उनके हृदय में बहनों और माताओं जैसे कोई भाव रहते भी हैं? पश्चिम बंगाल में तो नारी शक्ति का ही शासन और सत्ता चल रहा है। जो सत्ता में बैठी हुई हैं वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी एक नारी ही हैं, लेकिन नारी के ही शासनकाल में जब नारी सुरक्षित नहीं है तो वास्तव में बहुत बड़े प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि क्या वास्तव में राजनीति की दिशा बदल चुकी है, पलट चुकी है? क्या नेता वास्तव में नेता नहीं रह गए हैं? क्या जो जिम्मेदारी भविष्य में नारियों को देने की बात होती है कि 33% आरक्षण होगा, महिलाएं देश पर शासन करेंगी, तो क्या वास्तव में नारी सुरक्षा की गारंटी महिलाओं के शासनकाल में कभी ली भी जा सकती है? बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या भाई कभी अपने बहनों की रक्षा कर पाएंगे? क्योंकि जब आप महाभारत को देखते हैं, महाभारत पर पहुंचते हैं, तो दुशासन उस समय भी था लेकिन ऐसी घटनाएं कम हुआ करती थी, परंतु पांडव और कौरवों के बीच वो जो खेल रचा गया था उस खेल का उदाहरण बहुत बड़ा है कि जिस प्रकार दुशासन ने द्रौपदी के साथ किया, उसकी साड़ी खींचने का प्रयास किया, उस पर जब साथ दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने साथ दिया। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के सखा थे और बहुत सारे दार्शनिकों ने एक बात बोली कि कोई नारी और कोई पुरुष आपस में मित्र नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये बात झूठी साबित होती है, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति की महाभारत एक ऐसा कालखंड था जो साबित करता है कि द्रौपदी और कृष्ण ऐसे मित्र थे कि द्रौपदी अपने 5 पतियों से भी ज़्यादा श्री कृष्ण की बातों को महत्व देती थी, और संकट के काल में सखा के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी, और एक ऐसा ही रक्षा द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की कलाइयों पर बांधा था। जब बहनें हर वर्ष राखी बांधती हैं, हर वर्ष ये त्यौहार मनाया जाता है, तो आखिरकार ऐसी क्या बात हो सकती है कि फिर भी बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हमारे देश में होते हैं? जिस देश की नारी को दुर्गा, चामुंडा, काली से लेकर के सिद्धि माँ जाने कितने नामों से पुकारा जाता है, देवी का स्वरूप कहा जाता है, उस देश की बेटियों के साथ आखिरकार इस प्रकार के दुर्दांत कांड कैसे हो जाते हैं? बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसे लोगों की मानसिकता कहाँ से बनती
बनती है और क्यों बन जाती है? क्या छोटे कपड़े देखने से आपकी दृष्टि में इतना फर्क पड़ जाता है? तो फिर आप अपनी बहन के जब छोटे कपड़े देखते होंगे तो क्या आपकी दृष्टि में वो फर्क नहीं पड़ता है? सीधी सी बात है, चूँकि एक बात फेसबुक पर एक बहन ने बहुत अच्छी लिखी, चित्रकूट की हैं मीरा भारती, उन्होंने कहा कि अपनी बहन के पीछे शेर बन के चलने वाले लोग दूसरों की बहन के पीछे जब कुत्ते बन करके टहलते हैं तो ऐसी घटनाएं हो जाया करती हैं। फेसबुक पर जब हमने देखा तो बहुत सारी बहनों ने आज बहुत बड़े प्रश्न खड़े किए। एक वकील बहन थी जिन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी कि भारत में पर्व तो बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है, लेकिन फिर भी जब हम बलात्कार जैसी घटनाओं को सुनते हैं तो सोचते हैं कि क्या ये पर्व भारत में ही मनाया जाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारतीय पहलवानों का भी जब मुद्दा छाया रहा, जब नारियों के साथ होने वाले अपमान की घटनाएं होती हैं तो हमारी सोच पॉलिटिकल रूप से बट जाती है। क्योंकि जब थिंक को राजनीतिक रूप से विभाजनकारी कर दिया जाता है, क्योंकि जब विभाजन की बात होती है तो आप सोचो कि विभाजनकारी सोच होती है, तो जब राजनीतिक रूप से हमारी सोच बांट दी जाती है तो हम बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर एकदम निष्पक्ष बात और सही बात सत्य बात नहीं कह पाते हैं। गीता साफ अक्षरों में कहती है कि सत्य कहना चाहिए और सत्य वही है जो घटना है उसको हूबहू बता दी जाए। तो नारियों के साथ होने वाली घटना वास्तव में रक्षाबंधन के इस पर्व पर एक बड़ा सवाल तो खड़ा करते हैं, लेकिन एक बड़ी बात मैं ये भी कहूँगा कि शायद रक्षाबंधन के पर्व की वजह से ही बहुत सारी बेटियाँ सुरक्षित है, लेकिन इसको एक व्यापक रूप देने की ज़रूरत है। व्यापक रूप इस बात का कि आपको सोचना होगा कि हर बहन को आप कहीं इस नज़र से मत देखें कि वो आपको एक सेक्स ऑब्जेक्ट नज़र आए। जब देह के रूपी देह को आप देखते हो कि एक देह है, और जब आपके मन में वो लालच पैदा हो जाती है, जब आपको लगता है कि वो बहुत गोरी है, बहुत सुंदर है, और आपको लगता है कि वो मिल जाए, और जब आपको नहीं मिल पाती है तो आपके अंदर का वो पुरुष जाग उठता है जो पुरुष बड़ा क्रूर मानसिकता का होता है, और वो पुरुष ही क्रूर और जिनको कहा जा सकता है कि हवस जिनके मन में भरी रहती है, ऐसे पुरुषों के द्वारा कभी कभी बेटियाँ इस प्रकार से शिकार बना ली जाती हैं। ऐसी घटनाएँ कम मात्रा में हो रही होंगी या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में भी हो रही हो, चूँकि बहुत सारी खबरें हमको मिल भी नहीं पाती हैं। ये वो बातें हैं जिन खबरों के आधार पर हम इन बातों को कह पा रहे हैं। तो कोलकाता की डॉक्टर बिटिया के साथ जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ, जिस प्रकार से 2013-14 में निर्भया कांड आया और उसके बाद भी तमाम ऐसे कांड हमारे सामने आते रहे जो हमें शर्मसार करते रहे, चूँकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो नारा भी सबके जहन में बैठ नहीं सका कि बेटियां पढ़ेंगी लेकिन बेटियां बचेंगी कैसे, बेटी बच जाएगी तो बेटी पढ़ेगी कैसे। ये बड़े सवाल खड़े होते हैं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए, बहनों की सुरक्षा के लिए आप अपने घर की चार दीवारी के अंदर से, आप अपने खून के रिश्तों के अंदर से बाहर भी झांकने की कोशिश करिए कि आखिरकार आप दूसरों की बहनों की इज्जत आबरू की रक्षा क्यों नहीं कर पाते हैं। जब आप ये सोच लोगे जब कि हर एक बहन की रक्षा करनी है, तो हो सकता है कि कोई भी भाई कोई भी पुरुष किसी बहन या किसी औरत किसी नारी शक्ति के ऊपर एक ऐसी दृष्टि का प्रयोग नहीं कर सकेगा कि मानसिक रूप से भी उसका बलात्कार कर सके। क्योंकि सबसे पहले बलात्कार मानसिक रूप से शुरू होता है, उसके बाद ही जा करके कहीं वो देह के रूप में परिवर्तित होता है। चाहे ओशो रहे हो, चाहे तमाम दार्शनिक जिन्होंने बार बार ये कहने की कोशिश की कि जबरदस्ती जब आप सेक्स करते हो तो आपको तृप्ति का अनुभव नहीं होता है, और जबरन बलात्कार करने वाले लोगों को तृप्ति का अनुभव आखिरकार हो भी कैसे सकता है। तो सवाल बड़ा खड़ा है कि जिस सुख और जिस आनंद के लिए आप इंद्रिय तृप्ति के लिए आप कोशिश करते हो, तो क्या वो कभी जबरदस्ती या किसी के बिना इच्छा के क्या वो चरम सुख आप प्राप्त भी कर सकते हो क्या? ऐसे दार्शनिकों ने जो बातें कही हैं उसको आप समझिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रेम जैसी अवधारणा, प्रेम जैसी चीज़ अंदर से फील करने वाली चीज़ है, अंदर से फील करने वाली बात है, वो गूढ़ तत्व है प्रेम, जो आपको कम से कम बलात्कार करने की ओर तो प्रेरित बिल्कुल भी नहीं करता है, जो आपको किसी की बिना मर्जी के उसके साथ दैहिक संबंध बनाने के लिए बिल्कुल भी प्रेरित नहीं करता है। इसलिए समाज में प्रेम को अपनी एक जगह होनी चाहिए, सखाभाव को अपनी एक जगह होनी चाहिए। और आपने देखा कि द्रौपदी और कृष्ण मित्र हो सकते हैं, तो तमाम ऐसे पुरुष और ऐसी नारियाँ भी मित्र हो सकते हैं। और हिंदू परंपरा में जब राखी की बांधने की शुरुआत हुई थी, जब ब्राह्मणों ने रक्षा सूत्र बांधने की कोशिश शुरू की थी और इससे एक परिचय दिया जाता था कि सावन के महीने में और पूरे वर्ष भर लोगों की भगवान रक्षा करेंगे, तब ब्राह्मणों के द्वारा और बहनों के द्वारा एक मंत्र बोला जाता रहा जो अब शायद फैशन के दौर में बोला भी नहीं जा रहा है। तो मंत्र कुछ इस प्रकार से था, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वापि बध्नामि रक्षे माचल माचल।
तो ये मंत्र बोलने के साथ जब आप अपनी बहनों के से अपनी बहनों से रक्षा सूत्र अपनी कलाइयों में ऐसे बंधवाते हैं, तब जा कर के आपकी रक्षा परमात्मा स्वयं करते हैं। और जब आप परमात्मा के भाव से जुड़ जाते हैं तो परमात्मा आपकी स्वयं रक्षा करते हैं। चूँकि एक बड़ी बात मैंने सुनी थी ब्रह्मा कुमारी संस्थान में कि हम तो सामने सामने दूसरे की रक्षा कर पाते हैं, लेकिन जहाँ कहीं हम उपलब्ध नहीं होते हैं और कोई घटना दुर्घटना हो घटती है तो हमारी रक्षा आखिरकार कौन करेगा? तो परमात्मा ही उस वक्त रक्षा करते हैं। लेकिन परमात्मा को जानना पड़ेगा, परमात्मा को मानना पड़ेगा। ये कहना निरर्थक हो सकता है कि फिर उस बहन की, कोलकाता की बहन की रक्षा करने परमात्मा क्यों नहीं आए, लेकिन आते हैं परमात्मा, होता है। लेकिन जब आप क्या कहते हैं धर्म से, आध्यात्म से और भगवान से सीधा लगाव महसूस करेंगे, उनसे जुड़ेंगे, तब तो वास्तव में परमात्मा आपकी कई घटनाओं में रक्षा करते हैं। और ऐसी कई कहानियां हैं। तो कुल मिलाकर के आज रक्षाबंधन के पर्व पर जो रेप की घटनाएं हो रही हैं लगातार, जो हमें लगातार शर्मसार कर रही हैं, जो वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही हैं, तो इसके लिए हमारा एक वीडियो था। और अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में देश के अंदर ऐसी कोई घटना ना हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा नारियों के पास और बहनों के साथ पास, बेटियों के पास इस वीडियो को भेजना चाहिए। मित्रों, जब आप ऐसा काम करोगे और जागरूकता आएगी, आप मन से महसूस करोगे, मस्तिष्क से महसूस करोगे, तो यह बातें आपको बेहद पसंद आएंगी। और रक्षाबंधन के इस पर्व को जीवंत रखने के लिए और इसका ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक महत्व तो बनाए रखने के लिए आपको यह प्रयास जरूर करना चाहिए कि हमारे देश में अब ऐसी घटनाएँ ना हो। चूँकि मुझे लगा कि बार बार ये कहने से कोई लाभ नहीं है कि कामुकता और अश्लीलता की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर आपके अंदर के भाव अच्छे हो तो कामुकता आपकी अपनी पत्नी तक, आपके अपने प्यार तक तो हो सकती है, किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि प्रेम कभी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी दूसरी महिला के साथ आपको संबंध बनाने का मन भी कर जाए, ऐसा होता भी नहीं है। इसलिए रक्षाबंधन के पर्व पर यह प्रतिज्ञा लेनी होगी, ये सोचना होगा, महसूस करना होगा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिक और धार्मिक पौराणिक इतिहास को बनाए रखने के लिए आप सबको लगातार निरंतर प्रयत्न करने होंगे, जागरूकता के लिए काम करना होगा। तो बने रहिएगा फुल स्टॉप में मेरे साथ लगातार।